हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो डी यू सोल असाइनमेंट बीए अनर्स सेमेस्टर सेकंड पॉलिटिकल साइंस द वर्ल्ड आफ्टर 1945 हिस्ट्री। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। ओके बच्चों, तो इसका आप लोग का असाइनमेंट तैयार है। तो आप लोग का पहला इसका क्वेश्चन आज ही अपलोड हुआ है शायद। तो मैं आप लोग से ये कहना चाह रहा हूँ, जो बच्चे जो नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। आप लोग सब्सक्राइब करोगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, वीडियो अपलोड होगा तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो जब अपलोड होता है तो लाइक्स करिए। ओके, लाइक्स मिलता नहीं है। ओके बच्चों, तो फिर चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों ये रहा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे बीए अनर्स सेमेस्टर टू पॉलिटिकल साइंस द वर्ल्ड आफ्टर 1945 हिस्ट्री कोड। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन ऐसे ही है, वैश्वीकरण की आर्थिक और राजनीतिक आयामों की व्याख्या कीजिए, लेकिन इसमें राजनीतिक आ रहा है। तो एक काम करिए, बीकॉम का पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर फर्स्ट का बच्चे इस प्रश्न को लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या एक है, क्वेश्चन नंबर एक का आंसर ये लिख सकते हैं। ओके, बीकॉम पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई आपके दोस्त है तो उनको बता दीजिएगा, ये सेम क्वेश्चन दे दिया है बीकॉम का पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर फर्स्ट। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बच्चे पैनिक हो रहे हैं, मैं अभी सुबह में अपलोड किया, अभी तो बहुत लोग बोल रहे हैं सर मेरा नहीं बनेगा, मेरा नहीं बनेगा सर, मेरा बारे में नहीं सोच रहे हो। तो बच्चे आप लोग ऐसे मत सोचिए, क्वेश्चन मेरे पास जैसे ही आता है वैसे मैं लग जाता हूँ आप लोग के काम में। ओके बच्चों, तो ऐसे मत आप लोग ब्लेम करिए कि सर मेरा नहीं आप बना रहे हो। तो बच्चों अभी आप लोग मेल किए हो, मैं एकदम बनाने के लिए तैयार हूँ। ओके, आप लोग कुछ गलत मत लिखा करिए कमेंट चैट में। ओके बच्चों, तो चलिए आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ओके, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक्स पूरा दीजिए वीडियो पे कि अच्छा लगे, मुझे खुशी मिले वीडियो बनाने में। तो चलिए, तो मैं धीरे धीरे एकदम स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल करूँगा कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। वीडियो को आप लोग पॉज करके लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो आप लोग कुछ भी गलत मत सोचें, मैं भी इंसान हूँ, बहुत मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं बहुत से बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जल्द जल्द एकदम मिले। जितना मेरे पास क्वेश्चन है पहले वो तो तैयार कर लूँ, तो फिर आप लोग सेंड करिए। मैं जीमेल अकाउंट भी दे दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में भी दिया था। ओके बच्चों, आगे बढ़ें। ओके, और आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ये 10 पेज का है, 10 पेज का है, आप लोगों को फायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेज बनेगा इसमें। और एकदम आप लोग फ्रेश एकदम क्लीन काम करिएगा कि आप लोगों को नंबर मिलने में दिक्कत ना हो, ज़्यादा नंबर मिल जाए। ओके, ओके बच्चों, जिन बच्चों ने टेलीग्राम
ज्वाइन नहीं किए हो ज्वाइन कर ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या सर टेलीग्राम सेफ़ है? तो हाँ सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है, कुछ नहीं उससे होगा। आप तो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जितना मटेरियल मैं PDF अपलोड करता हूँ हम लोगों ने, तो वहीं पे आप लोगों को मिलेगा। ओके बच्चों, तो एकदम आप लोग पैनिक मत होइए, पैनिक हो के आप लोग टेंशन ले लेते हो, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सबका बनेगा पेपर, धीरे धीरे बनेगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। मेरे पास जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है मैं लग जाता हूँ कि आप लोगों को जल्द से जल्द आप लोग के पास पहुँचे। एक दिन में मैं इतना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 6 7, आप लोग समझ रहे हैं कितना मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोग के लिए सिर्फ। ओके बच्चों, तो इसलिए आप लोग सही सोचिए, गलत मत सोचिए कि मेरा नहीं बना रहे हैं सर, ऐसे मैं नहीं कर सकता। ओके बच्चों, ओके आप लोग स्क्रीन लॉक खोल करके आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ओके okay? अगर PDF में लेट होता है तो आप लोग वीडियो से भी लिख सकते हैं बच्चों। तो निर्यात से क्या होता है, भविष्य की नीलामी हो जाता है। ओके बच्चों, बढ़े आगे। ओके ओके बच्चों, प्लीज़ मैं आप लोगों से फिर से कहूँगा कि अभी आप लोग किसी भी आप के दोस्त के पास अगर अभी चैनल पे नहीं है हमारे, तो उसको चैनल पे ऐड करें, उनको लिंक भेजिए, शेयर करिए वीडियो को कि वो चैनल पे आ जाए, सब्सक्राइब करें चैनल को, वो भी अपना असाइनमेंट बनाए, कोई भी बच्चा छूट ना पाए। तो आप लोग एकदम कोशिश करिए, आप भी सबके साथ अच्छा सोचना है कि सबका असाइनमेंट बने, सबका काम हो। किसी का नंबर नहीं कट पाएगा। ओके, बोलता है लो कि सर सेम हो जाएगा, सेम नहीं कुछ होता, ठीक है ना? बस थोड़ा सा लिखने का स्टाइल चेंज कर दीजिएगा आप लोग।
मान लीजिए कोई दोस्त असाइनमेंट बना लेता है तो उसका असाइनमेंट कैसे है? सब लोग उसी से करता है कॉपी, तो आप लोग कुछ मत सोचिए, कुछ नहीं कटेगा। और एक क्वेश्चन का आंसर तो एक ही होता है ना, अब आप लोग का बस लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 10 पेज का है, अच्छा खासा आप लोग को मिलेगा लिखने का इसमें। ओके बच्चों, ओके बढ़े आगे। ओके वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा हमको क्योंकि 10 पेज का है ये। ओके ओके बच्चों, ओके ओके बच्चों, तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं स्क्रीन लॉक बंद करके। ओके बढ़े आगे। तो मैं आप लोगों से फिर से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग किसी को भी हेल्प करने की इच्छा रखिए, उसको खराब होने की इच्छा मत रखिए। ओके, क्योंकि सबको हेल्प करना चाहिए, आप लोगों को देश के आप लोग भविष्य हैं, तो इसीलिए नेगेटिव नहीं मन में रखना चाहिए किसी के प्रति, पॉजिटिव रखिए, किसी से लड़ाई नहीं करिए, पहले समझिए किसी भी चीज को। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो यही लास्ट था, तो यहाँ पे लास्ट हो गया है बच्चों। ओके, तो आप लोग अपने आसपास जो भी है, आप लोग गरीब कोई दिखता है तो आप लोग हेल्प करिएगा, और अपने दोस्तों को भी सपोर्ट करिए, आप शेयर करिए वीडियो को, वो लोग भी अपना असाइनमेंट तैयार कर लें। ओके बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक्स दें। ओके बच्चों, कमेंट्स दें। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।